और पता नहीं नगर निगम और विशेष करके पटना में क्या कर रही है, ये तो सरकार ही जवाब देगी। कई ऐसे मोहल्ले बस गए हैं जहां चार पहिया वाहन जाना भी मुश्किल है। स्मार्ट सिटी के ताजा रैंकिंग में टॉप 75 में, टॉप 75 में बिहार का कोई शहर नहीं, टॉप 75 में। हुजूर, रियल टाइम रैंकिंग में पटना पिछले साल के रैंकिंग से 28 पायदान नीचे गिर गया, लेकिन पूरे बिहार में आज तक कोई शहर के बसावट को सुदृढ़ तरीके से, सुसज्जित तरीके से मास्टर प्लान बनाया जाए, इस पर सरकार की कोई भी चिंता नहीं। और जो मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट पटना में आया, भारत सरकार ने भी अपना राशि निर्गत किया, बिहार सरकार ने भी अपना अंशदान दिया, लेकिन 5 एकड़ जमीन, 4.72 एकड़ जमीन के कारण और उसके अधिग्रहण के कारण जो मेट्रो का गति होना चाहिए और उसमें कहीं भी कोई मेट्रो में जो उसके निर्माण में सरकार को चिंता होना चाहिए, उस पर कोई भी चिंता सरकार का महोदय नहीं है। जो नगर विकास के लिए सरकार को और बिहार के विकास में जो नगर विकास का स्थान है, उसमें सरकार की कोई चिंता नहीं है, जैसा कि इस वित्तीय वर्ष के बजट से हमें दिखाई पड़ा है। महोदय, जैसा कि पूरे बिहार के किसी भी शहर को अगर देखा जाए, यहाँ तक कि पटना को भी, एक भी शहर व्यवस्थित तरीके से बिहार में उसका बसावट नहीं हुआ है। और विभाग के द्वारा 2015 से ही मास्टर प्लान बनाने के लिए सरकार ने अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन आज तक पटना का तो मास्टर प्लान पता नहीं कितने बार बना, कितने बार फिर उस प्लान को चेंज किया गया, लेकिन पूरे बिहार में आज तक कोई शहर के बसावट को सुदृढ़ तरीके से, सुसज्जित तरीके से मास्टर प्लान बनाया जाए, इस पर सरकार की कोई भी चिंता नहीं है। डाटा पर अगर जाएं तो डाटा में वर्तमान समय में बिहार में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की संख्या केवल 28 है और 10 लाख से ऊपर केवल पटना नगर की जनसंख्या है और नगरीय बस्तियों की संख्या करीब करीब 131 है और राज्य में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत कार्यरत है। लेकिन महोदय, किसी भी शहर में बिहार में अगर उसके बसावट का और उसके मास्टर प्लान की चर्चा पर हम जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई मूलभूत सुविधा भी अभी उपलब्ध नहीं है। और पटना के मास्टर प्लान के बाद पटना का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1167 किलोमीटर हो गया। विस्तारित होने वाले क्षेत्र में और जो मेट्रो का रेल प्रोजेक्ट पटना में आया, भारत सरकार ने भी अपना राशि निर्गत किया, बिहार सरकार ने भी अपना अंशदान दिया, लेकिन 5 एकड़ जमीन, 4.72 एकड़ जमीन के कारण और उसके अधिग्रहण के कारण जो मेट्रो का गति होना चाहिए और उसमें कहीं भी कोई मेट्रो में जो उसके निर्माण में सरकार को चिंता होना चाहिए, उस पर कोई भी चिंता सरकार का महोदय नहीं है। महोदय, और मास्टर प्लान लागू नहीं होने के कारण बड़े इलाके में लाखों मकान बिना नक्शा के बन गए हैं, लोगों ने पैन पर ही रास्ता बना लिया है। कई ऐसे मोहल्ले बस गए हैं जहां चार पहिया वाहन जाना भी मुश्किल है और यह स्थिति व्यवसायिक मार्केट की भी है। लोग अपने मर्जी से दुकान बना करके मार्केट का रूप दे रहे हैं हुजूर, और पता नहीं नगर निगम और विशेष करके पटना में क्या कर रही है, ये तो सरकार ही जवाब देगी।
पटना के दक्षिणी क्षेत्र बाईपास के इलाके सघन बसावट के चलते यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परियोजनाओं को लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से रूपसपुर नहर रोड, गोला रोड, आरपीएस से लेकर सगुना मोड़ और दानापुर से खगौल रोड में भी मनमाने निर्माण प्रोजेक्ट का काम हुजूर हो रहा है। पटना का पहला मास्टर प्लान 1962 में बना था, उस समय तो मेरा जन्म ही हुआ था हुजूर। पटना शहर की आबादी बढ़ने के बाद शहर के विस्तार के लिए पहला मास्टर प्लान 1962 से 1981 तक के लिए बना और तीसरा मास्टर प्लान 2016 से 2031 तक की आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है, मगर अब इसे रिवाइज करने की जरूरत महसूस हो रही है। 2041 तक की आबादी के मद्देनजर मास्टर प्लान को रिवाइज करने की बहुत ही जरूरत महसूस हो रही है। महोदय, इंदौर, उदयपुर, सूरत, आगरा के तरह पटना का विकास क्यों नहीं हुआ है, जबकि पटना पाटलिपुत्रा की धरती का अपना एक ऐतिहासिक महत्व रहा है। विकास के विभिन्न मानकों पर, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि के मापदंड पर पटना, इंदौर, उदयपुर, सूरत, अहमदाबाद आदि के अगर कंपैरिजन में देखा जाए हुजूर, तो ये जो है कहीं भी हम उसके सामने इसको नहीं पाते हैं, मुकाबले में पीछे रह गया है। इसके पीछे इसका अनियंत्रित विकास है। पटना शहर में प्लानिंग वाली कॉलोनी महज 4 हैं, इनमें पाटलिपुत्र, कंकरबाग, बहादुरपुर और राजेंद्र नगर है। वर्तमान में बसने वाली कॉलोनियों में 20 फीट या उससे कम चौड़ी सड़कें हैं। चौड़ी सड़कें अस्पताल, स्कूल, लोकल मार्केट, वाटर बॉडीज पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन, हरित क्षेत्र आदि का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में के मैंने एरिया बताया मंत्री महोदय, आप कुछ जगह बनाए हैं। स्मार्ट सिटी के ताजा रैंकिंग में टॉप 75 में बिहार का कोई शहर नहीं है, टॉप 75 में। और रियल टाइम रैंकिंग में अब विशेष राज्य लेके खाना भी खाइए, विशेष राज्य लेके हुजूर, रियल टाइम रैंकिंग में पटना पिछले साल के रैंकिंग से 28 पायदान नीचे गिर गया और 54वें स्थान से। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।